हाय डियर फ्रेंड, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो अगर मैं बात करूं तो ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए थियरी वाला सब्जेक्ट है, जिसमें काफ़ी कुछ चैप्टर्स हैं जो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। और सिविल इंजीनियरिंग के से रिलेटेड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं कि ताकि इसमें काफ़ी कुछ नॉलेज आप ले सकते हैं। और ये सब्जेक्ट का नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। इसमें जो चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे कैसे टाइप के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए कि ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो पहले तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। ये पहला चैप्टर्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस लेवल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ इसमें नॉलेज भी मिलेगी, मेरे साथ बने रहिए। तो पहला ही देखिए यहाँ पे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले वो है क्लासिफिकेशंस। क्या है वो? क्लासिफिकेशंस, ठीक है। क्लासिफिकेशंस की बात करने वाले तो क्लासिफिकेशंस में क्या पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला है अर्थ मूविंग, हॉलिंग इक्विपमेंट, होस्टिंग, कन्वेइंग, ठीक है, एग्रीगेट एंड कॉन्क्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, टनल एंड रॉकिंग इक्विपमेंट, और उसके बाद से देख लेंगे आपका ड्रिजिंग इक्विपमेंट है और एंड पंपिंग एंड डिवाटरिंग इक्विपमेंट। इतने टाइप के इक्विपमेंट हैं, एडवांस टाइप के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैं, जिसके बारे में आगे हम वन बाय वन, क्योंकि देखो ये सारे टाइप्स के हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के इक्विपमेंट आते हैं। जैसे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में कितने टाइप्स के आते हैं, हॉलिंग इक्विपमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, होस्टिंग इक्विपमेंट कितने टाइप के होते हैं, कन्वेइंग इक्विपमेंट, एग्रीगेट एंड कॉन्क्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट कितने सारे टाइप के होते हैं, उसके अंदर वन बाय वन मैं आपके सामने ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा और आप वन बाय वन देखते रहिए कि ताकि आपको ACT से रिलेटेड अच्छे से नॉलेज हो सके, अच्छी तरह से नॉलेज हो सके। तो आगे पॉइंट हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन करने के टाइम पे, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जब भी हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हमें ध्यान में रखने होते हैं, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन की बात कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कि हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सिलेक्शन के सिलेक्शन जब करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, यूज ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टाइप का इक्विपमेंट अवेलेबल है, उसके यूज ऑफ इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट का यूज जो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अवेलेबल है। अवेलेबल करने का मतलब कि कौन उस ऑर्गेनाइजेशन उस काम के लिए कौन कौन से टाइप के इक्विपमेंट है वही इक्विपमेंट का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबिलिटी फॉर जॉब कंडीशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्लाइमेट एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस, इट मीन्स सुटेबल हो उस जॉब कंडीशन के लिए ऐसे टाइप का इक्विपमेंट हो, उस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइप, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइप मतलब जो भी है एक इक्विपमेंट में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे रीजन है, यूनिफॉर्मिटी रखने के पीछे रीजन है कि अगर सपोज डैट कि कोई पार्ट्स एक इक्विपमेंट का ख़राब हो जाता है तो दूसरे पार्ट को दूसरे मशीन में हम उसको यूटिलाइज कर सके, इसलिए यूनिफॉर्मिटी रखें। उसके बाद से साइज ऑफ इक्विपमेंट, अब बड़ा अगर कंस्ट्रक्शन साइट है तो बड़े इक्विपमेंट यूज करेंगे, छोटा है तो छोटे साइज का इक्विपमेंट यूज करेंगे, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। फिर यूज ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, कि जो भी इक्विपमेंट है उसका स्टैंडर्ड लेवल तरीके से यूज हो सके, ऐसे टाइप का इक्विपमेंट हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब अगर अपने कंट्री के अगर का इक्विपमेंट ले लेंगे तो अपनी कंट्री के लिए भी बेनिफिट रहेगा और अपने लिए भी है कि अपने कंट्री से है तो अपने लिए इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, वो ध्यान में रखना। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका
मैक्सिमम ध्यान में रखें कि उसके कॉस्ट जो हो, प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो, उसको लेने के लिए यूनिटी हो, मतलब कम हो, एक तरह से बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट एंड सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट मतलब उसके स्पेयर पार्ट क्या हो, ऐसे इक्विपमेंट लें जिसके स्पेयर पार्ट मिलते हों। सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी ऑफ लोकल लेबर और ऑपरेशंस। लोकल जो लेबर हैं उनके लिए सुटेबल हो, ऐसे टाइप का इक्विपमेंट हो, जैसे सपोज डेट हम बड़े इक्विपमेंट ला दिए लेकिन उसको इक्विपमेंट को ऑपरेट ही करने वाले हमें लेबर ढूंढने पड़ जा रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं कि उसको ऑपरेट कर सकें, तो ऐसा हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हैं कि जो लोकल लेबर को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने आते हो। तो सुटेबिलिटी फॉर लोकल लेबर फॉर ऑपरेशंस। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मैंने पहला क्लासिफिकेशन में बताया था उसमें पहला है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट से रिलेटेड हम बात करने वाले, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, ठीक है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं। अर्थ मूविंग नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, कि नाम से ही आपको आइडिया मिल जा रहा होगा। द इक्विपमेंट विच परफॉर्म्स एक्सकेवेशन, डिगिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अर्थ, मूविंग देम टू डिस्टेंसेस, प्लेसमेंट, कंपैक्टिंग, लेवलिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, हॉलिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। ये टाइप्स जहाँ पर वर्क होते हैं इस टाइप में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जरूरत पड़ते हैं। जैसे पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट के लिए यहाँ पे बताया हुआ है क्या क्या पॉइंट है। टू द इक्विपमेंट विच परफॉर्म एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करना, डिगिंग एक्सकेवेशन, डिगिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अर्थ मतलब लार्ज अमाउंट में अर्थ को डिग करना, मतलब खुदाई करना है लार्ज क्वांटिटी में। मूव देम टू डिस्टेंस मतलब जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना हो तो ये इक्विपमेंट होता है। प्लेसमेंट करना हो, दूसरी जगह पर ले जाकर रखना हो। कंपैक्टिंग मतलब उसको कंपैक्ट करना हो, लेवलिंग करना हो, डोजिंग, ग्रेडिंग, हॉलिंग करनी है तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का उसको बोला जाता है। ऐसे टाइप के वर्क को अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बोला जाता है, ऐसे टाइप के अगर वर्क आते हैं तो, ठीक है। अब अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में भी क्लासिफिकेशन है, कैसे हैं, एक्सवेटिंग इक्विपमेंट और एक्सवेटिंग एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। एक तो सिर्फ एक्सवेट करेंगे, उनका काम है सिर्फ खुदाई करना, दूसरा है कि वो एक्सवेट भी करेंगे और दूसरी जगह पे मूव भी करेंगे, ऐसे दो टाइप में होते हैं। ये दोनों टाइप में भी अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोनों टाइप में क्या पढ़ने वाले, अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं कि एक्सवेटिंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं और एक्सवेटिंग प्लस अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में हम एक्सवेटिंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए, ठीक है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, ठीक है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। तो जो ये अर्थ मूविंग में दोनों आ जाता है, एक्सवेटिंग और अर्थ मूविंग, तो वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसके ऐसे टाइप के इक्विपमेंट को अगर सिलेक्शन करना हो तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, ध्यान में देना, ध्यान देना इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से जो पॉइंट हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अभी हमने लास्ट पहले जो पढ़ा, फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा, वो सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का था, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का था। यहाँ पे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के फैक्टर्स हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव, कि मतलब कितने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ज़्यादा अगर निकलवाना, ज़्यादा टाइप का है तो बड़े टाइप का चाहिए, बड़े वॉल्यूम वाला चाहिए, तो अलग अलग, मतलब आप एक्सवेटिंग दिए होंगे, डिगिंग वाले देखे होंगे तो कितने मतलब मीटर क्यूब मटेरियल को वो मूव कर सकता है। हाइट ऑफ एक्सवेशन, कितने हाइट तक एक्सवेट कर सकता है, कितने डेप्थ तक एक्सवेट कर सकता है। डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ द एक्सवेटेड मटेरियल, जो भी एक्सवेटेड मटेरियल उसको डिस्पोज करने वाला कैसा टाइप मटेरियल होना चाहिए, मतलब इक्विपमेंट होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ एक्सवेशन साइट टू हॉलिंग यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब हॉलिंग यूनिट कितने डिस्टेंस पे हो, एक्सवेट हो रहा है उससे कितने डिस्टेंस पे हो। मटेरियल टू बी रिमूव, कहने का मतलब देखो, ये फोर्थ वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि कितने पॉइंट से वो, कितने डिस्टेंस पे वो
मटेरियल को एक्सिबिट कर सकता है, ठीक है। अभी जहाँ पे एक्सिबिट करना है वहीं पे खड़े खड़े तो उस मटेरियल को तो नहीं कर सकते, कुछ डिस्टेंस पे होके और आगे के मटेरियल को, जैसे मैं बताऊँ कि यहाँ पे आपका ये इक्विपमेंट है तो यहाँ के मटेरियल को थोड़ा ना एक्सिबिट करना है, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, ये जहाँ पे एक्सिबिटिंग करना है वहाँ और ये आपका है इक्विपमेंट वहाँ पे, उससे कितना डिस्टेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद से मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम साइट, साइट से मटेरियल को रिमूव हो सके। टाइप ऑफ सॉइल टू बी एक्सिबिटेड, किस टाइप का सॉइल है तो उस टाइप के सॉइल के लिए कैसे टाइप का इक्विपमेंट चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उसको एक्सिबिट करने के लिए कितने ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लगेंगे समय, अगर मान लो इसको एक्सिबिट करने के लिए दिया जाता है तो ये कितने समय में कर लेगा, जो कम समय में करेगा ऐसे टाइप का इक्विपमेंट का, जो ज़्यादा समय लेगा उसको, ये भी ड्यूरेशन को भी हमें ध्यान में रखना है। अभी मैं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट में ये जितने फोर पॉइंट दिए हुए हैं ये फोर पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे कि ये कैसे कैसे टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ अर्थ एक्सिबिशन इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ अर्थ एक्सिबिशन इक्विपमेंट की बात करूँ तो कौन कौन से है, पावर शोवेल है, बैक होव है, ड्रैग लाइन है और क्लैंप सेल है। ये इतने टाइप के इक्विपमेंट हैं किसके लिए, अर्थ एक्सिबिशन इक्विपमेंट के लिए। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें दो और पॉइंट है, जो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा पावर शोवेल क्या होता है, बैक हो क्या होता है, ड्रैग लाइन क्या होती है, क्लैंप सेल क्या होते हैं विथ फिगर, और उसके एक्स क्या होते हैं और कैसे टाइप के होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। ACT एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग देखें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर आप तक जो वीडियो है वो प्रोवाइड करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।